हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैरकपुर सीनेट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। आई एम तबस्सुम आरा, आई एम योर हिंदी टीचर। विषय हिंदी, कक्षा 4, पाठ 10, बरगद से बातें। पाठ परिचय। जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन है। पेड़ पौधे हमें अनेक तरह से लाभ पहुंचाते हैं, परंतु अब धरती पर पेड़ कम होते जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि ने इन्हीं बातों के विषय में बताया है। बड़े पेड़ बूढ़े दादा हैं, छोटे हैं सब लड़के। मैंने बरगद से बातें की आज डाल पर चढ़ के। पेड़ पास में था नींबू का, वह था लड़का छोटा। लड़का बड़ा बबूल पेड़ का, थोड़ा सा था मोटा। शीशम आम नीम सहजन थे, आपस में सब भाई। कवि कह रहे हैं बड़े पेड़ों को उन्हें दादा कह रहे हैं, और जो थोड़े से छोटे पेड़ हैं उन्हें लड़के कह रहे हैं। और कवि कह रहे हैं कि मैंने आज डाल पर चढ़कर बरगद से बातें की, और उसी के पास में नींबू का भी पेड़ था, वह छोटा लड़का था। लड़का थोड़ा सा बड़ा बबूल के पेड़ को वो बड़ा लड़का बोल रहे हैं, जो कि थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा मोटा था। वहीं पर शीशम आम नीम ये सब ऐसा लग रहा था कि सब आपस में भाई भाई हैं। बेल और इमली ऐसे थे जैसे हुई सगाई। बेल और इमली के पेड़ इस तरह से मिले हुए थे जैसे लग रहा था कि दोनों की सगाई हुई हो। कटहल महुआ और करौंदा और अशोक खड़ा था। वहीं पर इसके अलावा भी कटहल महुआ और करौंदा के पेड़ थे, और सबसे बड़ा पेड़ अशोक का था, और ताड़ सबसे ऊंचा था, इतना अधिक बड़ा था, और सबसे ऊंचा पेड़ ताड़ का था। सभी पेड़ दुखिया कर बोले, सबने की यूँ बातें, लेकिन वहाँ पर सारे ही पेड़ बहुत दुखी थे। सभी पेड़ बहुत दुख में थे, वो कह रहे थे भैया रोको तुम मनुष्य की सैतानी की घाते। अर्थात जो मनुष्य हमारे ऊपर कुल्हाड़ियों से कुठारों से घात करता है, हमें चोट पहुंचाता है, अर्थात उन्हें काट रहा है, इन मनुष्यों की सैतानी को रोको। हमें काटकर दुख देता है, हमसे जीवन पाया। हम फल देते हैं, लकड़ी देते, पत्ते देते छाया। आगे कवि कह रहे हैं कि मनुष्य हमें ही काट रहा है, जबकि मनुष्य का जीवन ही हमसे है। अगर धरती पर पेड़ पौधे ना हो तो मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। पेड़ ही हमें फल देते हैं, खाने पीने की चीज़ें देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, पत्ते देते हैं, छाया देते हैं। सबसे बड़ के बात है कि वो हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं। और सभी को यह पता है बरसाते हम पानी, और सब लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं तभी वर्षा होती है। पर मनुष्य ने कब छोड़ी है स्वार्थ और शैतानी? मनुष्यों की ये प्रवृत्ति है कि वो स्वार्थी नेचर का होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। हमसे धरती शोभा पाती, हम सूनापन भरते। हम मनुष्य की सेवा में रत जीवन सुखमय करते। पेड़ पौधों से ही हमारे धरती की शोभा है। हर तरफ चारों तरफ हरियाली है, इससे हमारे धरती का सूनापन दूर होता है। और पेड़ पौधे हमारी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। वो हमें खाने पीने से लेके हमें जीवनदायी ऑक्सीजन तक देते हैं, वो हमारे जीवन को सुख से भर देते हैं। पीपल और आंवला बनकर हम पूजा पाते हैं। हम बूढ़े बरगद दादा भी तो पूजे जाते हैं। पीपल, आंवला, तुलसी, नीम और बरगद के पेड़ों की पूजा होती है। ये सब बोल रहे हैं कि हम लोग तो ये पेड़ के रूप में अगर जन्म ले लें तो हमारी तो पूजा भी होती है। हमें काटकर धरती पर से हरा भरापन खोना, अगर नहीं जो पानी बरसा तो क्या पैदा होना। अगर मनुष्य हमें काट करके धरती की शोभा को बिगाड़ रहे हैं, धरती को सूना बना रहे हैं,
तो इससे तो धरती की उपजाऊ क्षमता भी ख़त्म हो जाएगी और हमें काट करके धरती की हरियाली भी ख़त्म हो जाएगी। और जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो धरती पर बारिश भी नहीं होगी, तो फिर कुछ भी पैदा नहीं होगा, कोई भी फसल, कोई भी अनाज पैदा नहीं होगा। बातें हुई सभी पेड़ों से, उनमें जीवन होता, कटते देख पेड़ को मैं तो फूट फूट कर रोता। सभी पेड़ों की आपस में जो बातें चल रही थीं, कवि उन सबकी बातों को सुन रहे थे और पेड़ों को कटते हुए देख करके कवि फूट फूट कर रोते हैं। धन्यवाद।